नमस्कार, मी निकिता वागद स्टार एपिक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे. आणि बघूया आजचा स्टारचा वार. आज काँग्रेस महाअधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून संबोधित करताना उपस्थितांचे व सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे मन जिंकले व मोदी सरकारावर भरभरून टीकाशस्त्र चालवले. वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है. मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है. मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा. और शायद ये और भी बड़ी दीवार है, मगर ये जो पहली दीवार है इसको तोड़े बिना वो दूसरी दीवार नहीं तोड़ी जा सकती. वो दूसरी दीवार है हिंदुस्तान के युवाओं और राजनीतिक सिस्टम के बीच में दीवार. आज युवा देखता है, 4 साल पहले हिंदुस्तान के युवा ने सोचा मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मिलकर मोदी जी के साथ हिंदुस्तान को बदलने का काम करूंगा. पता लगा मोदी जी की गाड़ी को धकेला, गाड़ी स्टार्ट हुई, युवा देखते रह गए. एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी और गई गाड़ी. और युवा देखता रह गया, ये हुआ क्या भैया? मैंने तो बदलाव की बात की, मैंने गाड़ी को धकेला. एक तरफ राफेल हवाई जहाज, दूसरी तरफ अमित शाह जी का पुत्र. और मोदी जी हाई स्पीड गाड़ी में फटाक से गए अमेरिका. तो वो दीवार तोड़नी है. और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीतिक संगठनों की ऐसी मीटिंग आप देख लो, आपको किसी भी मीटिंग में ऐसा खाली स्टेज नहीं दिखाई देगा. हिंदुस्तान के युवाओं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और बाहर हैं, ये स्टेज आपके लिए मैंने खाली किया है. और सिद्धू सत्य बोलता है, जैसे अणु के बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बनता, वैसे ही कांग्रेस बिना कार्यकर्ता के नहीं बन सकती. सिकंदर हो तुम, सिकंदर, जिताने वाले सिकंदर, अलख जगाने वाले सिकंदर. अरे कांग्रेस हारी होगी तो किसी लीडर की वजह से हारी होगी, तुम तो जिताने वाले हो दोस्त. आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं. आज बुट्टीबोरी येथे जुन्या बँक ऑफ इंडिया चौकचे नामकरण माजी आमदार विजय घोडमारे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक असे करण्यात आले.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण सावनेर नगरीत भारतीय नववर्ष साजरं करण्यात आला. भारतीय नववर्ष स्वागताचा विषय कोणत्या एकापुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्य व्यापक व्हावा म्हणून सार्वजनिक गुढी उभारण्याचा कार्यक्रम दिनांक 18 मार्च 2018 सकाळी 9 वाजता गांधी चौक सावनेर येथे आयोजित करण्यात आला. आणि तसेच अधिक बातम्यांसाठी बघत रहा स्टार अपेक्स न्यूज, स्टारचा वार.